खिलारा मचाया हुआ है, पता नहीं ये बैग खोला हुआ है, पता नहीं क्या हो क्या रहा है। ये बैग इसीलिए निकाला जाता है ना जब ट्रेवल किया जाता है कहीं पे। और ये सारी आयजा की अलमारी निकली हुई है क्योंकि आयजा के साथ ना मैं फर्स्ट टाइम अभी इतनी दूर का सफर करने लगी हूँ। हमें ना पहली दफा किसी यूट्यूबर ने हमें बहुत बड़ी दावत दी है, बहुत बड़े यूट्यूबर ने बड़ी दावत दी है, पागल आगल हो गई है। हमें एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने, और ये हमारी पहली दावत है, हमारी अभी तक किसी यूट्यूबर ने दावत नहीं की। नहीं, यूट्यूबर दावत क्यों करेगा भाई, नहीं कोई ग्रुप है। मेरा मतलब कि अभी जब तक जैसे हमने चैनल बनाया है ना, तो इस अरसे में अभी तक हमारी किसी ने दावत नहीं की, लेकिन हम बड़े नहीं है ना इसलिए नहीं की, सिंपल सी बात है। ऐसी भी बात नहीं होती, दिल बड़ा होना चाहिए। अच्छा हाँ, तो जिसका दिल बड़ा था वो हमें बुला रहा है यार। हाँ ये बात है, ये माँ बेटी यहाँ पे लड़ रही है, यहाँ पे दोनों माँ बेटी की लड़ाई हो गई है यहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बैग में वो रख दिया था आयजा के शूज, क्या चीज, हाँ रख दिए थे। माशाल्लाह आयजा को देखें, आयजा तो पूरी मेम बन के खड़ी हो गई है, कितनी एक्साइटेड है। और अभी हरीम आप लोग ध्यान रखना अपना, तैयारी अच्छे से करना पेपर की, ठीक है। ये मिल गया, ये नहीं देखते रहना, पेपर की तैयारी भी करनी है। चलें जी, ये सारा पड़ा है हमारा सामान, साधो सामान आधा मेरे हाथ में है, और बस अब हम लोग अपने सफर की तरफ निकलने लगे हैं। अच्छा अब हम लोग आ गए हैं ये केक्स एंड बेक्स पर, क्योंकि जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पे कुछ तो लेकर जाना है ना। क्या ले, मिठाई ले या केक ले लें? केक तो खराब हो जाएगा इतनी दूर जाते हुए ना, जो हमें पसंद है, ताकि हम उनको भी आदत डाल दें खाने की। हाँ हम लेने लगे हैं मीठी टाइयां, ये वाली, ये चाय के साथ भी खाई जाती हैं और वैसे भी ना अच्छा लगता है। ये क्या क्या जिद कर रही है ये? पिज्जा खाना है अभी। आयजा को तू ना जनाब बेकरी में आके ना परेशानी पड़ जाती है, मैं सारा कुछ खा लूँ यहाँ पे। चले जी अब हम लोगों ने ये ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब, अल्लाह करे आप सब खैरियत से हो। आज हम लोग एक लंबे सफर की तरफ रवाना है, रवाना और दवाना है। मैं जरा ऐनक लगा दी, मुझे नहीं, इन्होंने ऐनक लेके दी, देख ले। आयजा ने भी ऐनक लगाई दी, आयजा दिखाओ, ये देखे आयजा भी ग्लासेस पहन के बैठी हुई है, और आयजा के बाबा ने भी पहनी हुई है, बस मैं बेचारी गरीब रह गई हूँ, मेरे पास ऐनक है ही नहीं, याद ही नहीं रहता मुझे ना, तो नहीं कोई बात नहीं। आप इतनी अच्छी बच्ची है मेरी, तुम्हें अलग दे रही है। अच्छा हमारी जो है ना पहली दावत है, किसी यूट्यूबर ने हमें पहली दफा जो है ना इनवाइट किया है, और काफी अच्छे से हमें उन्होंने इनवाइट किया हुआ था, बस इनको टाइम नहीं लग रहा था, आपको पता है ये मसरूफ तरीन बंदे हैं दुनिया के, तो इसीलिए बस हमारा जाना नहीं हो रहा था। हमने जाना भी नहीं हो रहा था, फैमिली है, यूट्यूब फैमिली के साथ सारा कुछ शेयर करते हैं, हमारा जाना भी, टाइम भी नहीं मिल रहा था, और कुछ एक्सपेंस भी जो ना बजट भी मैनेज नहीं हो रहा था। हाँ। उस पर वो भी एक वजह थी, तो आज भी निकलते वक्त काफी थोड़ी सी खराबी हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम, लेकिन शुक्र है सही रास्ते पे पड़ गए हैं हम, सही रास्ते पड़ गए हैं, मतलब हम लोग लोकल जाने का प्लान कर, लोकल जाने का प्लान था, पेट्रोल इतना ज्यादा महंगा हो गया कि अफोर्ड नहीं होता, तो हम लोगों ने यही सोचा था हम लोग लोकल जाएंगे। हम लोग गए थे बस स्टैंड पर, और वहाँ से हम लोगों ने बस ही लेनी थी, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि हमें किसी ने गाड़ी दे दी, हमें किसी ने गाड़ी दे दी, थैंक यू सो मच, हमें किसी ने कहा जी गाड़ी पर ही आओ, और बस जी अब बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि काफी अरसे के बाद जो है ना मैं इतना लंबा सफर करने लगी हूँ, और ये लंबी लंबी रोड देख के मुझे इतना कोई सुकून मिल रहा है ना, बड़ा ही मजा आ रहा है माशाल्लाह से। तो वैसे हम कहाँ जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, पेशावर जा रहे हैं, कि उधर वो बोर्ड जा रहे हैं, सियालकोट जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वैसे? ये तो जाके देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, और आप लोगों ने ना तब तक गेस करना है हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर हमें बताएं कि आप लोगों को समझ आ गई है कि किन्होंने हमारी दावत की हुई है, तो जिन्होंने की हुई है उनका शुक्रिया। उन्होंने हमें दावत पे इन्वाइट किया, और वाह वाह वाह, मुझे तो यहाँ की सड़कें देख के बड़ी खुशी हो रही है, एक अरसे के बाद जो है ना मैं घर से निकल के इतनी दूर ट्रेवल कर रही हूँ, और बड़ी हिम्मत से कर रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं ना तो हिम्मत ही नहीं होती कि आप दूर का सफर करो। अभी भी आयजा के साथ जो है ना मैंने कुछ करोड़ चीजें रखी हैं, और हम लोग सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हैं। तो
राइट, मुझे आदत नहीं है ना लंबा सफर करने की बच्चों के साथ। मोटर में क्या टूल प्लाजा आ गया है। ये टूल प्लाजा आ गया है और हम यहाँ से लाहौर से बाहर निकलने लगे हैं, इसका यही मतलब होता है ना। हम लाहौर से बाहर निकल जाएंगे। और वाह जी वाह, कितना मजा आ रहा है। बड़ा मैं सच में बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत मुझे मजा आ रहा है। निकलना चाहिए वैसे घर से, थोड़ा सा ना निकलना चाहिए, जहन फ्रेश हो जाता है। तो चलें जी, अब हम ये जो टूल प्लाजा है ये पार करते हैं। इनकी भी फीस होती है कोई? यहाँ से सिर्फ कार्ड मिलेगा। अच्छा, आगे तो वो लोग तो पैसे लेते हैं। अच्छा, ये कार्ड देंगे सिर्फ। हम लोग बचपन में बस में सफर करते थे ना, फिर इनको बड़े शौक से देखा करते थे, ये टूल प्लाजे आते थे, बड़ा मजा आता था। तो चलें जी, अब हम जो है ना रास्ते में आपके साथ जो है व्लॉग शेयर करते रहेंगे। खाने पीने का सामान भी सारा साथ ले लिया था और आयजा जो है बड़े मजे से, अल्लाह का शुक्र है, पीछे बैठी हुई आयजा। अच्छा जी, रास्ते में बरात भी चलो सही हो गया। चले जी, अब हम इंशाल्लाह अपना जो जितना भी सफर हमारा जैसा भी गुजरेगा, अल्लाह पाक हमें खैरियत से पहुंचाए, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लो जी, अब यहाँ पे आयजा को बीवी आ गई, तो हमने सुखे की जो मोटरवे का एरिया हम वहाँ पे रुके हैं आके। अब आयजा करेगी बीवी यहाँ पे सुखे की। चलो आज उधर चलो आयजा। ये भाग रही है, बड़ा मजा आ रहा है। और मजा आ रहा है तुम्हें? इनको भी बड़ा मजा आ रहा है। आयजा को बड़ी जल्दी थी चेयर पे बैठने की, गिरने लगी थी, इसको बड़ी मुश्किल इसके बाबा ने पकड़ा। ये देखें जी, कितना खूबसूरत यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है स्टे करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे बैठने लगे हैं कुछ खाने पीने के लिए, तो देखते हैं क्या खाते हैं। अजान भी हो रही है, जोहर का टाइम भी हो गया, अब नमाज भी पढ़ लेंगे। आयजा क्या खाना है आपने? फ्रेंच फ्राइज ही खानी है आयजा ने। यहाँ पे वैसे KFC भी है, वो दूसरी साइड पे है, लेकिन ना हम लोग इधर ही आकर बैठ गए हैं कि KFC चलें। देख लेते हैं अगर इधर क्या मेन्यू है, क्या है इधर। कुछ अभी हैवी खाने को दिल नहीं कर रहा, नाश्ता तो किया है। आयजा के लिए फ्राइज देख लेते हैं बस। ये किसी का मजाक उड़ाने से ना ये होता है कि ये साइमा भी गिरने लगी थी इस चेयर से। बैठ के दिखाना, बैठ के दिखाओ। मुझे सब लोग देख रहे। आयजा तो गिरी थी, साइमा भी गिरी है। अच्छा बताएं, आयजा के लिए फ्राइज मंगवा लेते हैं। दोबारा बैठना जरा यहाँ पे। इस तरह से बैठी साइमा। अब ये अब ठीक बैठ गई। इस हैंडल को नहीं पकड़ा था। नहीं, ये कॉर्नर पे तुम बैठी थी इसलिए ये कॉर्नर बैठ गई, ऐसे कुड़ पर गिर गई। ऐसे गिर गई तो। आयजा ने वॉशरूम कर लिया और अब हम ना आयजा के हैंड वॉश करवा रहे हैं। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे मिरर्स लगे हुए हैं, ये वो एरिया भी बहुत प्यारा है वॉशरूम वाला ना। बच्चों को साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल है। अब ये KFC की फरमाइश आ गई है इनकी। चलो वहाँ से तो फ्राइज मिली नहीं है। हाँ इधर आ जाओ, हमने को KFC से देखते हैं कि आयजा को फ्राइज बड़ी पसंद है। चलो जी फ्राइज ले लो भाई। टू ट्वेंटी ये आ गई जी, 250 की फ्राइज। दिखाना कितनी है वो है सारी सारी। हाय अल्लाह, ये छोटा सा डिब्बा है बस, वो इतना बड़े हमारे घर के पास 50 रुपए का इतना बड़ा डिब्बा भर के देते हैं। हाय हाय, KFC का तो सच में ये लोग लूटते हैं। फ्राइज नहीं खा रही, एक नहीं खाई इसने, इसमें वो खाई। हाँ तो आगा यार, ये पेंडू लोग कहाँ पे आके बैठ गई हो, देखते जरा ये क्या हरकतें कर रही है। घूमने वाली कुर्सी के ऊपर घूम मशहूर कर रही है। ओ ये तमीज से बैठो यहाँ पे, उन्होंने बाहर निकाल देना, उन्होंने कहा कि निकलो यहाँ से। तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये कि 250 की प्राइस और 50 रुपये के झूले। हाँ ये बात तो है। देखें जी ये ना पेंडू फैमिली क्या करी जा रही है, पहली मरतबा मोटरवे का सफर कर रही है ये,
और देखो जरा बाप माँ बेटी ना अजीब और गरीब तमाशे कर रही है, वो सारे देख रहे ना करो। फाइनली जी अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, फिर माँ बेटी ने झूले ले लेके वो केएफसी वालों का बाबा खराब कर दिया था। ऐसा आज चले ऐसा वो भाग गई है। अच्छा अभी शाम का टाइम हो गया ये देखें, और हम लोगों को ना हम लोग 11 बजे निकले थे और मजे का व्यू है वहाँ पे ना सूरज। हाँ ये मैंने भी दिखाया भी है, बड़ा अच्छा लग रहा है ये देखें, वाओ कितना प्यारा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आस पास दरख्त ही दरख्त हैं, ग्रीनरी इतनी प्यारी है, यहाँ पे आके इतना मजा आ रहा है ना, ये रोड बड़ी अच्छी लग रही है। इधर हम लोगों ने ना काफी ज्यादा भी माल्टे के जो बाग होते हैं ना वो भी देखे हैं। सूरज गरूब होने का ये जो सीन है ना, गरूब हो रहा है ना अभी इस तरफ को, तो क्योंकि शाम जो हो रही है ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है और मजा आ रहा है नई नई चीजें देखकर, नई नई जगहें देखकर। लेकिन हमें थकावट भी अभी बहुत ज्यादा हो गई है, इसकी वजह से आवाज भी बड़ी कम कम निकल रही है, तो बस ज्यादा हो गई है। हाँ थकावट बहुत हो गई, सुबह 11 बजे से जो निकले हुए हैं, तो आए तो खैर हम स्टे करते करते ही है, लेकिन जो है ना बस अब दिल कर रहा है कि जल्दी से पहुंच जाएं, और बस हम बिल्कुल करीब करीब पहुंच गए हैं। तो जी फाइनली हम यहाँ पे पहुंच गए हैं जो हमारी मंजिल मकसूद थी। रात हाँ, बहुत ज्यादा हो गई है, रात बहुत हो गई और इतने ज्यादा हम थक गए हैं ना, सुबह 11 बजे के चले हुए हैं और अभी रात के 9 बज रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप उतरते हैं। ये दरो दीवार देख के आपको पता चल चुका होगा कि हम कहाँ पे आ गए हैं, कहाँ पर आए हैं। तो आज के व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अभी हम तो बहुत थक गए हैं, अब अंदर जाकर सब कहते हैं उनको कि हमें कोई पैनाडोल दे दे, कोई हमें दवाई दारू दे दे, अभी हम नाव करेंगे। आज क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब अल्लाह हाफिज, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, हमें दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।